नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ, जो कि बेंगलोर का है और यह 2009 का सॉल्व पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर दो, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य असम है। प्रश्न नंबर तीन, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कौन सा बैंक है? इसका उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न नंबर चार, नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? इसका उत्तर है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन को जमकर समर्थन किया था। प्रश्न नंबर पांच, भारत की यात्रा पर आने वाला पहला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? इसका उत्तर है, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। प्रश्न नंबर छह, सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका उत्तर है, भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक है। प्रश्न नंबर सात, टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है? इसका उत्तर है, टेप रिकॉर्डर की टेप फेरोमैग्नेटिक चून से लेपित रहती है। प्रश्न नंबर आठ, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है, लेमार्क। लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर नौ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इसका उत्तर है, 9 वर्ष। 9 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल रहता है। प्रश्न नंबर दस, रोवर्स कप्स किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है, रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11, विश्व में प्राकृतिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्राकृतिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 12, सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? इसका उत्तर है, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, कब से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है? इसका उत्तर है, 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 14, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका उत्तर है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। प्रश्न नंबर 15, गुरुदेव किनका उपनाम है? इसका उत्तर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।